ये हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में हम कितना टैक्स देने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? तो ग्रॉस इनकम में से आपकी जो डिडक्शन होती है, जैसे कि पीएफ की होती है डिडक्शन, या एलआईसी की होती है, या मेडिकल की डिडक्शन होने के बाद आपका जो नेट अमाउंट बचता है कि इस पे मुझे अब टैक्स देना है, वो टैक्सेबल अमाउंट मैं यहाँ पे डालता हूं, ठीक है? और फिर हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे कि आखिर मेरा टैक्स कितना होगा। तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपका लेस देन 3 लाख फ्री है, 3 to 5 लाख आपके 10% देना होता है, 5 to 10 लाख आपको 20% देना है, और ग्रेटर देन 10 लाख आपको 30% देना है। और आपका अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो एडिशनल, आप ग्रेटर देन 1 करोड़ होता है तो आप पे एडिशनल एक चार्ज जुड़ जाता है 1% का, 1 या 2% जुड़ता है, इसमें परसेंटेज याद नहीं, ठीक है, एडिशनल जुड़ जाता है 30% के अलावा। तो हम कैसे इनकम, कैसे यहां पे टैक्स क्रिएट करें? तब यहां पे ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर 5 लाख का, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैंने 5 लाख का अगर मेरी अगर ये हुई है तो मुझे 5 लाख का 10% नहीं देना है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, प्लीज। ओके, तो यहां पे हम मेरा म्यूट था सर, नहीं देना है क्योंकि 3 लाख फ्री है हमारा, तो मुझे 5 माइनस 3 करना है, और 5 माइनस 3 फिर जो 2 बचेगा उस 2 का 10% देना है। उसी तरह से अगर आपकी इनकम मान लीजिए 11 लाख है तो आपको 11 लाख पे 30% नहीं देना है, आपको पहले 3 लाख पे 0 होगा, फिर दूसरे 2 लाख पे आपका 10% होगा, और फिर आपकी 5 लाख के ऊपर 20% होगा, और फिर 1 लाख के ऊपर 30% होगा। ऐसा ही होता है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो एस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू है 3 लाख का, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, तो 0 होना चाहिए। ओके, फिर वापस कंडीशन देते हैं कि अगर ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अगर आपका है 5 लाख, 5 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो क्या हो, तो इसमें से माइनस होगा पहले 3 लाख काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और फिर उसका 10% होगा, 10% होगा। ओके, समझ में आया आपको? फिर वापस इफ करते हैं, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 10 लाख हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या होगा, तो पहले 3 लाख पे 0 है, फिर 2 लाख पे 10% आएगा, क्या सर? तो यहां पे 2 लाख का 10% आप यहां निकाल लें, या फिर कैलकुलेट करके डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख में से लाख हुआ, 10% प्लस हम इसको सिलेक्ट करके माइनस करेंगे 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तो दे चुके हैं ना, 0 3 लाख का और 2 लाख का 10%, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और इसका 20%। आपको सर तो 5 लाख की 10 लाख की समझ में आ गई, और ऐसी कैलकुलेशन हम अपनी 20 लाख का करेंगे, ग्रेटर देन 10 लाख का,
तो इसको सिलेक्ट किए और हमने बोला कि क्या ए ग्रेटर देन 10 लाख है, तो यहां पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख ऐसा हो तो पहले तो हम जीरो देंगे, फिर 2 लाख का 10% क्या होता है सर, 20,000 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपका 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, और फिर इसमें हम माइनस करेंगे 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, और इसका होगा 30%। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसमें मुझे एडिशनल करना है 1%, तो इसी में मैं प्लस कर दूंगा कि इफ अगर ये नंबर इज ग्रेटर देन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो इसमें से माइनस होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1%, क्योंकि 1 करोड़ के बाद का हमें करना है ना, इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि बोर्ड मास मेथड तभी जाकर परफॉर्म करेगा, और जहां जहां आपने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वहां वहां ब्रैकेट में रख देंगे तो रिजल्ट आपका सही आएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे आप बिजली का बिल का कनेक्शन भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, किसी को डाउट? बीर सिंह जी समझ में आ गया आपको? यस सर।